Today we are starting about the next one topic of digestive system, and this is called the swallowing. What is mean by swallowing? Swallowing का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं, तो हम लोग उसको कह सकते हैं निगलना. किसी भी चीज को आप लोग निगलते हो, ठीक है? तो खुराक के निगलने को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड व्हाट? स्वॉलोइंग. स्वॉलोइंग को हम लोग फिजियोलॉजिकली या साइंटिफिकली हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड व्हाट? डिग्लूटेशन, ठीक है? सो व्हाट इज मीन बाय स्वॉलोइंग? स्वॉलोइंग कहते हैं किसे हैं, ठीक है? स्वॉलोइंग सम टाइम कॉल्ड डिग्लूटेशन इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट. अभी मैंने आपको करवाया कि हम लोग इसको साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? कॉल्ड व्हाट? डिग्लूटेशन, ठीक है? अब दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये पेपर में आता भी है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटेशन या व्हाट इज डिग्लूटेशन. सो इज द प्रोसेस, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ऐसा प्रोसेस है इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने आपको यहाँ पे ह्यूमन करवा दूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. सो एक्सप्लेन हम लोग ह्यूमन भी करेंगे, बट इट इज ऑल्सो अकर इन एनिमल बॉडी दैट अलाउ फॉर अ सब्सटेंस, ठीक है, टू पास फ्रॉम द माउथ. अब कोई भी खुराक जो है वो माउथ से लेकर हमारे पास कहाँ आएगा? फैरिंग्स, ठीक है, एंड देन इनटू एसोफेगस. फैरिंग्स फिर हमारे पास वो ट्रेवल कहाँ करेगा? एसोफेगस में. व्हाइल शटिंग द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को बंद करने के बाद स्वॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट? इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. अब जो भी आप खुराक ईट करते हो, खाना खाते हो, या आप कोई पानी पीते हो, सो इस मैकेनिज्म में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? स्वॉलोइंग इन्वॉल्व, ठीक है? अच्छा, द पोर्शन ऑफ फूड. अब जब आप लोग रिमेम्बर वन थिंग, जब आप लोग खुराक को निकलते हो, फूड, ठीक है, एज वेल एज ड्रिंक और अदर मटेरियल लाइक एप्पल वगैरह खाना, That will move through the neck, ठीक है? अब through the neck ये move करेगा in one swallow, and that one is called bolus. इसको मैं अभी explain करवाती हूँ white board के through, तो आप लोगों को सही समझ आए. Before फिर इसको diagrammatically भी आपको करवाऊंगी. अच्छा, ये मैं आपको roughly करवा रही हूँ. For example, that is the mouth, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला हमारे पास क्या बची, ये हमारे पास आएगा नोज, ठीक है? सो वन इज द पार्ट ऑफ माउथ, अगर मैं इसको कहूँ, ठीक है? और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? नाक. नाक से हमारे पास, नाक और ये जो मुंह है इसके बीच में हमारे पास क्या होता है बच्चे? रिमेम्बर, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पैलेट. सो पैलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है? वन इज कॉल्ड हार्ट पैलेट, ठीक है, हार्ट पैलेट. व्हाट इज मीन बाय हार्ट पैलेट? हार्ट पैलेट का मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ बोन, ठीक है? और फिर हार्ट पैलेट के नीचे जो गोश होता है, जिसको हम लोग पश्तो में, उर्दू में कहते हैं हल्क, या इसको हम लोग पश्तो में कहते हैं तालू, ठीक है? सो नेचुरल क्या है बच्चे हमारे पास? सॉफ्ट पैलेट, जो कि ज्यादातर गोश से बना है. अच्छा, हार्ट और सॉफ्ट पैलेट है, ये हमारे पास जनरल एनाटॉमी हो गई. किस पार्ट की? दैट इज द नोज. नोज के नीचे हमारे पास क्या? माउथ. माउथ और नोज के बीच में सेप्टम होता है एक राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट, जो कि बोन से बना है, और सॉफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास किस चीज से बना है बच्चे? मीट से. अच्छा, आपको याद हो मैंने आपको करवाया था कि फूड जो है वो माउथ के अंदर फर्स्ट क्या होता है? आप लोग फूड को क्या करते हो, ठीक है? फूड इनसाइड द माउथ. अब माउथ के अंदर क्या होगा? स्लाइवा इसके साथ क्या हो जाता है बच्चे? मिक्स हो जाता है. जब स्लाइवा मिक्स हो जाता है, आप इस फूड को क्या करते हो? क्रश करते हो, ठीक है? और ये फूड जो है वो हमारे पास म्यूसिलिनियस का मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्टिकी. म्यूसिलिनियस मीन्स व्हाट? मीन्स स्टिकी नेचर. फूड क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट. म्यूसिलिनियस का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फूड हमारे पास क्या होगा बच्चे? सॉफ्ट. सॉफ्ट प्लस स्टिकी, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है? और स्लाइवा इसको क्या करेगा? वो मिक्स हो जाएगा.
इस फूड को जो सॉफ्ट और स्टिकी फूड है इसको हम लोग फिर ये नहीं कहेंगे, हम लोग विल कॉल देम, व्हाट विल कॉल देम, द बोलस। अंडरस्टैंड, इसको मैं दोबारा करवाती हूँ कि हमारे पास माउथ के अंदर हम लोग ले लें फूड है, ठीक है, फूड में हमारे पास लार्वा मिक्स हो जाएगा, इस फूड को हम लोग क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद ये फूड क्या हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द म्यूसिलेजिनियस। ये देखिए म्यूसिलेजिनियस का मतलब क्या होगा, सॉफ्ट और स्टिकी फूड। फिर ये जो सॉफ्ट और स्टिकी फूड को हम लोग सॉफ्ट एंड स्टिकी फूड नहीं कहेंगे, विल कॉल देम, हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे बोलस, ठीक है। अब ये जो बोलस वाला मटेरियल है ये आपके अंदर क्या होगा, ये माउथ के अंदर बन जाता है। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली करवाऊँ बच्चे, तो ये मेरे पास आपको शो करने के लिए कि मुंह के अंदर जब फूड मटेरियल बन जाएगा तो फिर ये जो है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम बोलस। यहाँ तक क्लियर है सबको, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, यही फूड जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको स्वॉलो करते हैं। स्वॉलो का मतलब क्या होगा, निकलना। अभी मैंने आपको करवाया, ठीक है, बाय डेफिनेशन, और ये पेपर में आता भी, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। खैर अभी रिसेंटली तो नहीं आया, 2016 के पेपर में ये आया है, लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट है, इट्स मीन स्वॉलोइंग इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर। फैकल्टी के पेपर में आपके पास मेडिकल फैकल्टी का पेपर है, ठीक है, सो उसके लिहाज से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब स्वॉलिंग के केस में क्या होगा कि जब खुराक यहाँ तक पहुंच जाती है तो फर्स्ट पर आता है वॉलेंट्री। आप लोग जो है वो खुराक जो है वो खुद बाय सेल्फ उसको निकलते हो, ठीक है, सो वो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द वॉलेंट्री एक्शन। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शन के थ्रू क्या होता है कि आपके पास फूड जो होता है इट इज फॉरवर्ड या बोलस, बोलस को आप फॉरवर्ड कैसे करते हो, माउथ में, ठीक है, तो बोलस इज फॉरवर्ड इनटू फैरिंग्स एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर वॉलेंट्री कंट्रोल, और वॉलेंट्री कंट्रोल इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, हमारे पास किसके थ्रू होता है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द ब्रेन। ब्रेन आपकी इसकी हेल्प करेगा, ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको हेल्प करेगा, आपको वॉलेंट्री कंट्रोल, एंड वॉलेंट्री कंट्रोल इज डन बाय द हेल्प ऑफ द सेरेब्रम। अंडरस्टैंड यहाँ तक बच्चे, ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड स्टेप है ये फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, फूड बन गया बोलस, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन। फिर इस फूड को आपने यहाँ तक आया, ठीक है, और ये इस एरिया में आया, ठीक है, तो इस एरिया में क्यों आता है, हमारे पास स्वॉलोइंग प्रोसेस होता है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप स्वॉलोइंग प्रोसेस में क्या आता है, वॉलेंट्री एक्शन। इसको मैं अगर हाईलाइट करके करवाऊँ, फर्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होगा कि फूड जो है वो बोलस, आप क्या करते हो, फॉरवर्ड करते हो फैरिंग्स की ट्रेवल की तरफ, एंड फॉर फैरिंग्स में इसकी मदद कौन कर देगा, ब्रेन, और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसकी हेल्प करता है, सेरेब्रम। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आते हैं सेकेंड वन पे, थर्ड वन पे, एंड द थर्ड वन इज व्हाट हमारे पास, दैट इज द इनवॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल। स्वॉलोइंग में हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या था बच्चे, वॉलंटरी कंट्रोल, इसको मैं यहाँ पर ए करूँ तो आपको एक्सप्लेन होगा, ठीक है, और सेकेंड वन आते हैं बी वन, एंड दिस इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अच्छा, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि जो फूड फॉरवर्ड होता है तो आपके पास ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको खैर मैं करवाती हूँ तो डायग्रामेटिकली, ये जनरल मैं आपको ले लूँ, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, अगेन ये वाला नोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट एंड दिस इज द माउथ, और माउथ इज फॉलोड बाय दिस। अच्छा, जब फूड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, अब देखो बच्चे, जब यहाँ पर फूड आता है इस रीजन में, ठीक है, तो इस रीजन में ये आपका जो पैलेट होता है इट क्लोज द नेजल कैविटी। यहाँ पर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ कि हमारे पास व्हाट इज द मेन फंक्शन, कि जो पैलेट होता है बच्चे क्या करता है, इट क्लोज द नेजल कैविटी, ये देखिए, और आपकी जो जबान होती है, ठीक है, अगर मैं इसको आपकी टंग, योर टंग, इसको मैं यहाँ पर इस ब्रश से करवाती हूँ,
तो आपकी जो जबान यहां पर है ये वाली, ये ओरल कैविटी को क्लोज करेगी। देखिए आपकी टीथ, आपकी जो टंग है, यहां पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आपको मैं यहां पे लिख लूं कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल में क्या होगा बच्चे, कि जो टंग होती है ठीक है, इट क्लोज माउथ, क्लोज किसको करेगा, आपके पास माउथ को क्लोज करेगा। और यहां पर जो नेजल कैविटी है इसका पैलेट, अभी मैंने आपको कहा था ना जो गोश से बना हुआ पैलेट, इट क्लोज नेजल, ये नोज को कवर करेगा, नेजल कैविटी को करेगा, नेजल कैविटी। अच्छा ये देखिए, इसने इसको कवर किया, टंग ने इसको कवर किया, क्यों किया, ताकि हमारे पास ये जो फूड है ठीक है ये ऊपर ना जा सके। देखिए बच्चे ये ऊपर ना जा सके, तो टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये देखिए, ताकि ये फूड ऊपर ना जा सके और ये जो जबान है ये इसको इस वजह से क्लोज करता है ताकि ये जो फूड है ये दोबारा मुंह में इंटर ना हो। सो दिट इज डन बाय द हेल्प ऑफ, ये हमारे पास क्या आएगा, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में क्या होगा कि एक मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास टंग इसको क्लोज करेगा माउथ को ताकि फूड वहां पर इंटर ना हो, और सेकेंड वन में हमारे पास पैलेट क्या होगा, वो नेजल कैविटी को क्लोज करेगा। इसका मेन पर्पस वो क्या होता है, ताकि फूड जो है वो नीचे ट्रांसपोर्ट हो। सो दिस इज अकर इन द इनवॉलेंट्री कंट्रोल। फर्स्ट वन इज स्वॉलोइंग, ठीक है, स्वॉलोइंग में फर्स्ट वन मैकेनिज्म क्या था बच्चे, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री कंट्रोल में हमारे पास क्या होगा, बॉलस में फॉरवर्ड होगा फूड फैरिंग्स की तरफ। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी जो टंग होती है, क्रेनियल नर्व वो क्या करेगा, आपकी टंग को क्लोज करता है ताकि जो खुराक फैरिंग्स को ट्रांसपोर्ट हुए वो दोबारा मुंह के अंदर ना जा सके, ठीक है। और पैलेट क्या करेगा, इस नाक को कंट्रोल करेगा, बंद करेगा ताकि जो फूड है ये ऊपर ना जा सके। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास दैट इज डन बाय हेल्प ऑफ इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अच्छा आते हैं सिक्स मंथ स्टेप पे, थर्ड वन स्टेप पे, एंड दैट इज द सी वन, दैट इज आल्सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास फूड या जिसको हम लोग आप बोलस कहते हो, हम लोग उसको बोलस कहते हैं। अब बोलस जो है वो नीचे आएगा, दैट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। अब डाउनवर्ड मूवमेंट में हमारे पास क्या होगा, एपिग्लॉटिस जो है वो सांस की नाली को बंद कर लेता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है, दैट क्लोज द लैरिंग्स, ठीक है। आपके पास जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करेगा, वो सांस की नाली को क्लोज करेगा, तो आपके दैट इज द नेक्स्ट फंक्शन, एंड देन फूड इज ट्रांसपोर्टेड या बोल्स इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एसोफेगस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल्ड एम मच, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, स्वॉलोइंग, ठीक है। दोबारा समझ लें कि आपके पास फूड तो यहां तक आ गया, लेकिन ये फूड यहां पर आएगा तो यहां पर कैसे आता है, बोलस डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट में हमारे पास एपिग्लॉटिस क्या करेगा, क्लोज करेगा लैरिंग्स को, एंड देन फूड इज गोइंग टू गोट एसोफेगस में ट्रांसफर। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को दो रीजन बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फ्रंट पे है, ठीक है, और ये जो नीचे बैक वाला, ठीक है, अब इनके बीच में पार्टीशन होती है, एंड दिस वन इज कॉल्ड, यहाँ पर दिस इज द वट, दट इज द एपिग्लॉटिस, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूँ बच्चे, दैट इज द एपिग्लॉटिस। अच्छा एपिग्लॉटिस क्या होगा, वेन फूड इज इंटर, आपके पास वही वाला फूड है, ठीक है। अब जब फूड इस रीजन में आएगा, तो फूड इस रीजन में आने के पहले हमारे पास एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट क्लोज द, अब ये एपिग्लॉटिस इस एरिया में आएगा और इट क्लोज इस तरह, ये देखिए इसने कंप्लीटली, ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ सांस की नाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नंबर ट्रेकिया। तो इसने सांस की नाली को बंद किया, ठीक है, और फूड जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, हमारे पास एसोफेगस में। और ये सारा काम आपके पास क्रेनियल नर्व करते हैं, ठीक है। सो फूड इज इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द एसोफेगस। ये देखिए फूड पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहां से फिर आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा नीचे पार्ट में, एंड ये हमारे पास आ गया, दैट इज द फूड, ठीक है। तो ये इस एरिया में,
तो ये बजाय एपिग्लॉटिस का मेन काम क्या है बच्चे, कि खुराक को सांस की नाली में आने तक नहीं देता, तो सांस की नाली को कम्प्लीटली यहाँ पर बंद कर देता है। ठीक है, मैं दोबारा समरी करवाती हूँ कि व्हाट इज द स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग इज व्हाट, कि हमारे पास माउथ में जब आप बोलस बन जाता है तो बोलस जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा और आर्टरी निकलेगा, कहाँ हमारे पास क्या कहलाएगा, स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग मैंने आपको कहा था कि अभी स्टार्ट किया था कि फूड जब आप लेते हो वो क्रश होता है, क्रश होने के बाद यूसरीजियस बनता है, स्लाइवा मिक्स होता है, तो आप उसको फूड नहीं कहते, हम लोग उसको क्या कहेंगे, विल कॉल्ड हिम व्हाट, स्लाइवा, सॉरी बोलस। ये जो बोलस होता है इसको फॉरवर्ड किया जाता है स्वॉलोइंग एक्शन के थ्रू। एक वॉलंट्री होता है जब आप खुद अपनी मर्जी से करते हो, बोलस फॉरवर्ड इन टूवर्ड फैरिंग्स, और इसकी मदद कौन करता है, ब्रेन और सेरेब्रम। सेकेंड वन इनवॉलंट्री कंट्रोल है। इनवॉलंट्री कंट्रोल में क्या होगा, जबान आपके मुंह को बंद कर देगा आगे, ताकि आपके पास खुराक आगे की तरफ वापस ना आए। ठीक है, और ये जो पैलेट है ये नाक को बंद कर देगा ताकि खुराक नाक साइड पर ना आए, तो खुराक खुद बहुत ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, बोलस नीचे जाएगा। ठीक है, जब नीचे जाता है तो थर्ड वन स्टेप में क्या होता है कि जब बोलस डाउनवर्ड होता है तो यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस मौजूद है, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ये इस तरह आएगा और इस ट्रेके को बंद कर लेता है, तो खुराक बड़ी आसानी से नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आप लोग को भी दिखाती हूँ बच्चे। अच्छा ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है, ये देखिए बच्चे, दैट इज व्हाट, ये मेरे पास माउथ है। ठीक है, ये देखिए ये माउथ। ठीक है, अब माउथ के अंदर ये देखिए आपको ये ग्रीन नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन हमारे पास क्या है, दैट ग्रीन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द, ये आपको अभी नजर आ रहा है, ये देखिए ये वाला ये पार्ट, ये दैट इज बॉल ऑफ फूड, ये खुराक, ये देखिए ये इधर यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो मैंने आपको फर्स्ट मैकेनिज्म में अभी करवाया, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये क्या था, टंग। अब टंग क्या करेगा, टंग, ठीक है, अब ये देखिए टंग किसने, इसने किसको कवर किया, इट क्लोज द माउथ, ताकि फूड जो है वो वापस इधर ना आए। तो ये देखिए यहाँ पर ये बंद हो गया, अभी इसको मैं अभी करवाती हूँ बच्चे आपको, ये देखिए यहाँ पर इसने इसको मुकम्मल तौर पर इस मुंह को बंद कर दिया, और ये देखिए पैलेट, नेजल कैविटी में क्या हुआ, पैलेट ने इस नाक को बंद कर दिया ताकि जो फूड है ये ऊपर ना जा सके। फिर ये देखिए ये फूड बड़ी आसानी से नीचे आता है, और ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है बच्चे, दैट इज व्हाट, दैट इज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ये देखिए इसने कम्प्लीटली सांस की नाली को बंद कर दिया, ये फर्स्ट इज व्हाट, हमारे पास सांस की नाली है, ठीक है, सो इट क्लोज दिस, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो दैट इज द लैरिंक्स या ट्रेक है। अभी देखिए इट क्लोज द लैरिंग्स, अब लैरिंग्स क्लोज करेगा फूड बड़ी आसानी से, ये देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होगा इस एरिया में, ठीक है, ये देखिए ये आपको अभी नजर आ रहा होगा कि फूड या बोलस इज ट्रांसपोर्टेड टू एसोफेगस। अब ये देखिए दोबारा ये खुल जाता है, जब आप ब्रीथिंग करते हो तो ये देखिए ब्रीथिंग के टाइम पर ये एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, और जब आप खुराक खाते हो तो ये वापस नीचे आकर इसको क्या करेगा, इसको क्लोज करता है। मेरे पास एक वीडियो है, वीडियो दिखाती हूँ, इस वीडियो को देखिए बच्चे, तो आपको ये टॉपिक आई होप सो एक्सप्लेन हो गया होगा। Swallowing or deglutition is the process by which food passes from the mouth through the pharynx and into the esophagus. As simple as it might seem to healthy people, swallowing is actually a very complex action that requires an extremely precise coordination with breathing, since both of these processes share the same entrance, the pharynx. Failure to coordinate will result in choking or pulmonary aspiration. Swallowing involves over 20 muscles of the mouth, throat, and esophagus, which are controlled by several cortical areas and by the swallowing centers in the brainstem. The brain communicates with the muscles through several cranial nerves. अबे देखिए आपके पास ये जो brain है, it communicates. यहाँ पर खैर मैं अभी step by step बताती हूँ. अबे देखिए आप खुराक खा रहे हो, ठीक है? तो ये देखिए खुराक में ये देखिए bolus बन गया, ठीक है? अब बोलस देखिए आगे ट्रांसपोर्ट होगा, तो आगे ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये देखिए इसने मुंह को कवर कर दिया और नोज को बंद कर दिया, दैट इज द हेल्प ऑफ नर्व। ओरल और बकल फेज, दिस इज द वॉलंटरी पार्ट ऑफ स्वॉलोइंग।
The food is moistened with saliva and chewed. Fruit bolus is formed and the tongue pushes it to the back of the throat. The pharynx. अभी नजर आ रहा है आप लोगों को ना कि ये देखिए माउथ ने यहाँ पर नोज को मुकम्मल तौर पर ये देखिए नोज ने फेरिंग्स यहाँ पे इसमें कवर कर दिया ताकि फूड वापस ना आ सके. बेसिकली इसका पर्पस ये होता है. This process is under neural control of several areas of cerebral cortex. ये भी मैंने whiteboard पे आपको समझा दिया. Pharyngeal phase starts with stimulation of tactile receptors in the oropharynx by the food bolus. The swallow reflex is initiated. अब ये देखिए सिग्नल यहाँ से ब्रेन को मिलेगा. अब ब्रेन के किस पार्ट को मिलेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा को. ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या करेगा, इसको वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल मिलेगा और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक होता है बच्चे. Initiated and is under involuntary neuromuscular control. The following actions are taken to ensure the passage of food or drink into the esophagus. The tongue blocks the oral cavity to prevent going back to the mouth. The soft palate blocks entry to the nasal cavity. The vocal folds close to protect the airway to the lungs. The larynx is pulled up with the epiglottis, flipping over, covering the entry to the trachea. This is the most important step since entry of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया लाइफ थ्रेटनिंग. अगर आप लोग याद रखें बच्चे, रिमेम्बर वन थिंग, व्हेन यू ईट, जब आप खाना खाते हो तो इस्लाम में भी है कि खाने के टाइम पर बोलना नहीं चाहिए. व्हेन यू टॉक, जब आप बोलते हो, बोलने के टाइम पर रिमेम्बर वन थिंग, आपकी जो एपिग्लॉटिस होता है वो ओपन हो जाता है. तो ये जो फूड होता है ये डायरेक्ट सांस की नाली में आता है, तो आपको हिचकियाँ आ गया, हिचकियाँ जानते हैं ना. ठीक है, तो कहते हैं उसको, और सम टाइम फूड यहाँ पे फंस जाता है सांस की नाली में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड अबाउट चॉकिंग, जो अक्सर बच्चों में होता है. The upper end of the gill sphincter opens to allow passages to the esophagus. Esophageal phase. Food bolus is propelled down the esophagus by peristalsis. I hope so, आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई कंफ्यूजन है देन आस्क, आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो. और ये जो चॉकिंग का काम था ये भी मैं दूसरे स्लाइड में आपको करवाती हूँ, तो आप कमेंट में कर सकते हैं बच्चे कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो. ठीक है, आई होप सो आप आज का लेक्चर जो था वो इतना मुश्किल तो नहीं था, बट खैर मेरी कोशिश थी आप लोग को समझाने की. फिर भी कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो. ठीक है, आज कितना काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.